हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्रैवल सीरीज़ वेयर इज़ एरी। सो कुछ टाइम पहले की बात है जब मैंने अपनी एक ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम था वेयर इज़ एरी। बट आई हैव अ लिटिल कन्फेशन कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो इसका रीज़न ये था, या तो मैं नई प्लेसेस और ट्रैवल कर रही थी और फिर ये सारी ट्रैवल कंटेंट पाइल अप हो रहे थे, एंड देन दूसरा रीज़न ये भी था कि पहले घर लेने के लिए घर ढूंढ रहे थे, फिर घर ले लिया तो उसको सेटअप कर रहे थे। बट नाउ आई हैव टाइम और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी ही एक एक्साइटिंग ट्रैवल जर्नी मेरी, जो कि मैंने हेलसिंकी में की थी। सो हेलसिंकी मेरे उस ट्रिप का पार्ट था जब मैंने कुछ नॉर्डिक कंट्रीज़ और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कवर किया था एक ट्रिप में, एंड आज हम घूमेंगे हेलसिंकी। हेलसिंकी में मेरे पास टोटल 1.5 दिन का टाइम था, एंड आई वुड से उतना टाइम सफिशिएंट था मेरे लिए जानने के लिए कि हेलसिंकी कैसा दिखता है, यहाँ पे क्या क्या पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स है, एंड ओवरऑल यहाँ का कल्चर, आर्किटेक्चर एंड कोस्टल व्यूज़ कैसे हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए, मतलब कि ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रंच करने के लिए आ गए हैं एक नेपाली इंडियन रेस्टोरेंट में, और मुझे लगता है इनकी कई सारी ब्रांच है क्योंकि एक क्रॉसिंग पे ही मुझे 2 रेस्टोरेंट दिख गए। और बेस्ट चीज़ ये है कि जो इंडियन टी है वो सिर्फ 2 यूरोज की है। तो मैंने एक वेज थाली ऑर्डर की है, समोसे ऑर्डर किए हैं और मेरी चाय आ गई है, और चाय इतनी अच्छी है। इसका नाम था नेपाली टी, बट ये बिल्कुल ही सेम इंडियन टी जैसी है जो हम मिल्क टी बनाते हैं जिंजर और इलायची डाल के। बस ठंडी ठंडी मॉर्निंग में आपको एक इंडियन चाय मिल जाए, वो भी किसी फॉरेन कंट्री में, तो दिन बन जाता है। सो हेलसिंकी में शाम में आपके पास 2-3 ऑप्शन है अच्छे। आप एक यहाँ पे बहुत फेमस बड़ा मॉल है, वहाँ पे जा सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम है। नहीं तो इवनिंग के लिए आप स्काई व्हील जा सकते हैं, जो कि एक जाइंट व्हील है। सो मेरी ट्रैम लेके आई मुझे सेनेट स्क्वायर, और सेनेट स्क्वायर से 500 मीटर की दूरी पे है ये स्काई व्हील। तो इस स्काई व्हील को आप नॉर्मल स्काई व्हील मत समझिए कि ये जैसे दिल्ली आई जैसा है या लंदन आई जैसा है। आप यहाँ पे भी केबिन ले सकते हैं और आपको पूरा व्यू मिलेगा सिटी का। जो ख़ास बात है वो ये है कि आप सोना भी ले सकते हैं स्काई व्हील में। सोना के लिए आपको क्या करना है, 240 यूरो पर आर का कुछ चार्ज है 1 से 4 लोगों का, और अगर 10 से बड़ा ग्रुप है तो कुछ 30 यूरो पर पर्सन लगेगा। सो नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर पे पूल का एक्सेस मिलेगा। पूल के एक्सेस के बाद आप सोना उस यूनिक से केबिन में ले सकते हैं, जहाँ पे आपको शानदार व्यू मिलेगा। आपको कुछ खाना पीना है, ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर करनी है तो आप वो भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और मस्त अंदर गर्म होगा और अंदर आप बैठिए, सोना लीजिए। तो ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ का स्काई व्यू। मेरा कोई शौक नहीं है इतनी ठंडी में सोना लेने का, कि मतलब मैं पहले स्विमिंग पूल जाऊँ और उसके बाद स्विमिंग के बाद मैं सोना के ले जाऊँ, बट लोग जा रहे हैं और इतनी ठंड में भी मैंने लोगों को देखा है पूल में अभी। बाकी ये जो चमकती हुई सी लाइट है, ये फ्लाई सिनेमा की है, जो वर्चुअल 4D का एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है किसी शो का। सो जब सेनेट स्क्वायर से मैं वॉक कर रही थी तो मुझे ऑरेंज ऑरेंज जैसे टेंट्स दिखे रास्ते में, और मुझे तुरंत क्लिक किया कि ये तो उसकी तरह लग रहा है जो मैं कोरियन ड्रामा में देखती हूँ, लोग सोजू पीते हैं या फिर चिकन खाते हैं, स्पाइसी चिकन या टोकबुकी खाते हैं। सो जब मैंने वहाँ पे बोर्ड्स पढ़े, क्योंकि अभी सब चीज़ क्लोज हो चुका है, बस मुझे थोड़ी टेबल चेयर दिख रही थी अंदर, तो वो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट था साउथ कोरिया वाला। यहाँ पे आप बैठ के ड्रिंक ले सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट बना रखे हैं ऑरेंज कलर के टेंट। मस्त आकाश और मंगल का फोटो शूट चल रहा है, वो देखिए, ध्यान से देखिए इस फोटोग्राफर को, बेचारा इतनी मेहनत में लगा हुआ है और ये उनका मॉडल पोज किए जा रहा है, और ये अब अप्रूवल लेता हुआ कि फोटो अच्छी आई है कि नहीं आई है। अलेपा करके एक ग्रॉसरी स्टोर है, मैं उसके अंदर आ गई हूँ। ये जस्ट मेरे हॉस्टल के नीचे उतर के ऐसे लेफ्ट साइड पे था, और मेरा आज का प्लान ये है कि दिन में इतना खा लिया था और थोड़ा सा मेरा खाना बच भी गया था,
तो कुछ मैं यहाँ से पिकअप कर लूँ, जैसे या तो फ्रोज़न पिज़्ज़ा हो गया या कोई नूडल्स हो गई। तो अभी मैं बस कुछ स्नैक्स के टाइप का कुछ देख रही हूँ, और सिंस यूरो में है तो सब चीज़ अपना अपना सा लग रहा है। तो हमारा पिज़्ज़ा और नूडल्स बन गई है, कॉफ़ी तैयार है, और ये लेके मैं जा रही हूँ खाने। और इसी के साथ मैं अपना हेलसिंकी ब्लॉग ख़त्म करती हूँ यहीं पे। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू एंड नेक्स्ट, बाय।